हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में मैं कुछ एक्टिविटी आपसे शेयर करने वाली हूं, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को घंटों तक घर पे व्यस्त रख सकती हैं, उसे मोबाइल और टीवी से दूर रख सकते हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, कोई भी हॉलीडे हो, इस एक्टिविटी के द्वारा आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं और उसके इमेजिनेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स को यह होता है प्रॉब्लम कि उसके बच्चे जब भी कोई ड्राइंग करने को देते हैं तो सेम कलर यूज कर देते हैं और पूरी पिक्चर्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा वह डिफरेंट कलर के पेन यूज करेंगे या फिर स्केच यूज करेंगे और इस कलरफुल एक्टिविटी को करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस तरीके से पिक्चर दिखा दूँ। एक सिंपल पिक्चर आप ड्रॉ कर सकती हैं, जो कि ड्रॉ करने में बहुत ही इजी है, आप देख सकती हैं। और इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया। अब हमें जरूरत होगी कुछ पैटर्न्स की। अब देखिए, मैंने ये पैटर्न का एग्जांपल्स आपको दे दिया है, जहां जिग जैग है या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर रेनबो या फिर इस तरीके से बना सकती हैं, वेव बना सकती हैं, फ्लावर बना सकती हैं, केवल डॉट्स बना सकती हैं, आप इस तरीके से क्रॉस कर सकती हैं, ज्योमेट्रिक शेप बना सकती है, या फिर बच्चे को आप इमेजिनेशन करने दें कि उसे क्या इमेजिनेशन में उसके आता है, उसके दिमाग में किस तरीके से फील करने के लिए आता है। वह कोई भी ड्रॉइंग जैसे फ्लावर से भी वह फील कर सकता है, ऐसे फ्लॉस फ्लॉस बना दिया पास पास में, या फिर उसने इस तरीके से बेव बना दिया, इस तरीके से भी बना सकता है, कुछ भी उसके दिमाग में जो भी, इस तरीके से भी स्क्रिबलिंग कर सकता है और उसे फील कर सकता है। उसके पास जो भी आइडिया आए आप उसे यूज करने दें। बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको कुछ इस तरीके से फील करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक ड्राइंग। आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से सन और यह सनलाइट, और इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यह पेड़ है तो अब इसके ऊपर के पार्ट को मैंने ग्रीन से फिल किया है, बट हम इस तरीके के स्ट्रक्चर से फिल किया है, इसको ब्राउन से फिल किया है, इस तरीके से सन रेज में अलग अलग कलर से सन रेज को फिल किया है और अलग शेप और अलग कलर यूज किया है, इसे यह बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। चलिए हम एक करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम रेज को फिल करेंगे, ये एक अलग एक्टिविटी है। ऐसे बच्चे को नॉर्मली तो इस तरीके से कलर करने को कहा जाए तो वह कर सकता है, बट अगर इस तरीके से वह कलर करता है तो उसकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी, उसका इमेजिनेशन भी इन्हेंस होगा, क्योंकि उसे इमेजिन करना है कि किस रे में हम क्या अलग फील कर रहे हैं, उसे कुछ अलग ट्राई करना होगा इसके लिए, और वह अपना इमेजिनेशन इसमें लगा सकता है और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बन के तैयार होगी। जबकि अब बनाने में बहुत सिंपल है और कलर करने में भी बहुत सिंपल है, लेकिन जब यह पूरा आप कंप्लीट करेंगे तो यह देखेंगे कि कितना खूबसूरत आपको एक पिक्चर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को इन्हेंस रख सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटी में। तो फ्रेंड्स, आप यह देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको पूरे कलर को कलर कर देना है, और इस तरीके से आप और ड्राइंग, सबसे इजी ड्राइंग तो यह है, और यह भी जब आप कलर करेंगे अलग अलग रेज को अलग अलग पैटर्न से अलग अलग कलर से, तो आप देखेंगे कि यह सिंपल सी ड्राइंग भी कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से एक और ड्राइंग है, आप देख सकते हैं यह वेव है, यहाँ पे इस तरीके से शेप बना है। आप बटरफ्लाई सिंपली बना सकते हैं या फिर सिंपली कोई भी फ्लावर बना सकते हैं, और उसे बच्चे को, जैसे कि मैंने यहाँ एक फ्लावर बनाया, अब इस फ्लावर में आप बड़ा सा एक केवल फ्लावर भी बना सकते हैं और इसको अलग अलग पेटल्स को अलग अलग पैटर्न में बच्चे को फील करने के लिए दे, फिर आप देखिए यह फ्लावर बहुत ही खूबसूरत एक लुक बनेगा फ्लावर का, और इस तरीके से बच्चा घंटों तक एंगेज रहेगा। और उम्मीद है आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।